अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का रोड ट्रिप कहाँ का है बताएंगे हम लोग। पूना से बारामती से आ गए, यहाँ से चलो आप बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में हमने वीडियो बनाया अभी ग्रैंड रोड में शफी भाई का, जो कि क्रिप्टन गुड फार्म के मालिक हैं। हमारे साथ में मुस्तकीम भाई है, तला भाई है और कासम भाई है। हमारे गुजरात मॉडल की पूरी टीम है यहाँ पर। ठीक है मुस्तकीम भाई, कौन सा एरिया है ये? अभी आए ग्रैंड रोड, तारदेव सिग्नल पे आए, नवजीवन सोसाइटी है ना जी। यहाँ से हम लोग जाएंगे हाजी अली होके वर्ली से, वो ब्रिज है ना, हाजी अली से स्टार्ट कर दिया ना जी, हाजी अली से स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग लोगों को बताएंगे, राइट आएगा, राइट राइट आएगा। ये मुंबई सेंट्रल की तरफ जाता है रास्ता, ये ग्रैंड रोड जाता है, लेफ्ट मारेंगे तो ग्रैंड रोड, ये सामने ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन है। ये मुंबई सेंट्रल की तरफ मुड़ गया, ये नवजीवन सोसाइटी है। हम लोग को काफी अच्छा लगा, बोर का जंगल एक्सप्लोर किया हमने और अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतना अच्छा, इतना ईमानदारी का काम, हाँ छोटा अच्छा काम, प्यार मोहब्बत वाला काम, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ये सिग्नल से लेफ्ट मारेंगे कि सीधा जाएंगे? लेफ्ट मारेंगे, ठीक है लेफ्ट मारेंगे तारदेव, और तारदेव से सीधा हाजी अली। चलो चलो आप, ये बाइक वाले का लफड़ा हो गया, यहाँ से लेफ्ट मार लो आप, सामने नवजीवन सोसाइटी है, रुका दो आप, ठीक है। तो ये नवजीवन सोसाइटी है और हसमुख चाय वाला कहाँ? इधर है वो सामने, रहा इस तरफ है, राइट में, हाँ राइट में हसमुख टी कंपनी, यस यू आर करेक्ट। ठीक है तो अब आगे जाएंगे, उससे पहले हम ये पहले कहाँ नहीं होटल थी, ये वी वी अभी का कंपनी को वोडाफोन को दे दिया, वोडाफोन चला रहा है अभी इसको। तो हमारे साथ रोड ट्रिप पे कैसा लगता है बताओ? हमारे कासम भाई एक नंबर गाड़ी चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आती है। कासम भाई को भी घूमने काफ़ी मज़ा आता है, अल्लाह सेहतमंद रखे सबको अल्हम्दुलिल्लाह। रोड ट्रिप करना आसान नहीं होता है, रोज़ नई नई जगह पे जाना। आज का हमारा सफ़र, मैं आपको एक बार बता दूं कि हम निकले वडाला एंड ट्रॉफिल से, हम गए अहमद भाई आयशा गोट फार्म के ओनर जो हज करके आए उनसे मिलने। वो वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं है, मैं उनसे मुलाकात करने गया था क्योंकि वो हज करके आए, तो हम उनसे मुलाकात की। फिर शफी भाई अग्रीपाड़ा, शफी भाई का वीडियो बनाया हमने जो जिंक का पूरा गाड़ी लाए है लॉट, ठीक है उनका अलग वीडियो बनाया, वो आप देख लेना। एक से एक बच्चे लाए है, हमारे चैनल से कोई लेगा तो 3000 का डिस्काउंट भी दे रहे हो, 3000 का कोई हमारे चैनल से लेगा तो चलेगा। और उसके बाद में अब ये बाहर निकले उनके यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं बॉम्बे सेंट्रल तारदेव होके हाजी अली दरगाह, ठीक है वहाँ से हम लोग सीधा वो जो पानी के ऊपर ब्रिज है सीलिंग, वो पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा बैंड्रा। बैंड्रा से जोगेश्वरी, कासम भाई का काम है एक वहाँ पर, वो काम पटाएंगे हम लोग, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे भिवंडी, निज़ाम का डेरा, आयशा गोट फार्म, डोरा गोट फार्म और रहमान मिस्त्री, इतनी जगह पे हम मिलने जाएंगे। और शायद टाइम रहा और हमारी किस्मत अच्छी रही तो अगवान गोट फार्म, अशरफ भाई से मिलने की भी ख्वाहिश है हमको, खास करके हमारे कासम भाई को, है ना कासम भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, अच्छे इंसान हैं अशरफ भाई, हमारे भाई अगवान गोट फार्म। चलेगा ये तारदेव की दो बिल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, जैसा अमेरिका में थी दो थी उनके पास, हमारे पास तो है। चलेगा, ये हाई स्कूल है, ठीक है दोनों स्कूल है। सफर आगे बढ़ा है अभी हमारा, ये तारदेव का सिग्नल आ गया अपने को, अब हाजी अली पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों हाजी अली आ चुके हम लोग, और जो नया ब्रिज पहले से वर्ली तक था पर अभी एक्सटेंशन करके नरिमन पॉइंट तक गया है, तो वो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। हाजी अली जूस सेंटर देख लीजिए आप लोग, बोलो तला भाई, बोलो बताओ ना तला भाई, तला भाई बोलो ना, तला भाई से इशारे से बता रहे हैं।
ये आजली जाने का रास्ता है, क्या बोल रहे थे भाई? अरे बोलो ना, मुझसे बोलो, कांच पे वो इसका आ रहा है। हाँ तो ऐसा बोलो ना तला भाई, डरने का नहीं, अपन कोई नहीं मारेगा इधर, लेकिन एक बात देख रहे क्या, दरगाह नहीं दिख रही। हाँ वो पैक हो गया, काम चालू है ना रेलवे को। क्या ब्रिज बनाया ना कासम भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये यहाँ से चलने का था पहले, वो रास्ता कहाँ गया? ये स्टार्ट नहीं किया अभी तक यहाँ से, टूट गया होगा आसिम भाई, स्टार्ट तो हो चुका था, टूटता रहता है ना इंडिया में। कैसे कैसे ब्रिज बना दिया, बाप रे बाप। अच्छा यहाँ से कैसे चढ़ेगा क्या वो? ये देखो लिखा हुआ है वाया कोस्टल रोड, माशाल्लाह ये बनेगा भी यहाँ से। सामने महालक्ष्मी रेस कोर्स है कासम भाई, घोड़ों की रेस होती है। हाँ अभी पेपर में आया था ना। कैसा लग रहा है आपको तला भाई? अच्छा लग रहा है, दिल खुश हुआ आपका? लेकिन हाजिली दरगाह नहीं देख पाए अपन, मेट्रो का काम चल रहा है। ये मामा हाजी अली है, अभी दिखेगी। तो अभी हम लोग वर्ली से लेंगे ब्रिज, ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप पहली बार आए टला भाई ये ब्रिज के ऊपर? ये ब्रिज के ऊपर आके गए आप? क्या बात है कासम भाई, आप पहली बार? पहली बार। पूरा ब्रिज है ना पानी के ऊपर है भाई, पानी देखो आप कैसा आ रहे हो ऊपर, मोजे मार रहा है आज, नहाने बहुत मजा आएगी भाई। मोहम्मद भाई के समुंदर में नहाएंगे, राजीव गांधी सागरी से तो पानी चेंज कराना पड़ेगा, करवा देंगे। मोहम्मद भाई को मालूम पड़ेगा पहले ही करवा देंगे। चलाने मजा आ रहा है कि नहीं आपको? वहाँ देखो ना राइट में, तो देखो जरा पानी क्या मार रहा है, मोजे मार रहा है। ये वल्ली गांव है मछुआरों का, एक घंटे का रास्ता आप 5 मिनट में कवर किए। पूरा दरिया है, कैमरे लगे हुए हैं और ये रोप देखो आप, करीब से अभी दिखाएंगे आपको। ये रास्ता है ना कासम भाई, 1 घंटे का था ये, आज आप देख लो टाइम, आप 3 से 4 या 5 मिनट में शायद आप इसको कवर कर रहे हैं। सीधा आप बॉम्बे से, मुंबई से सबब में आ गए बांद्रा के अंदर, डायरेक्ट सामने आपको बांद्रा का सबसे बड़ा जो होटल है बांद्रा ताज लैंड एंड, वो सामने दिख रहा है आपको अभी। और वहां से आप शाहरुख खान का बंगला भी देख पाएंगे अभी, सलमान खान का भी, मन्नत भी देख लेंगे और जन्नत भी देख लेंगे इंशाल्लाह।
तो उसके बाद में बताऊंगा। सामने होटल देखो आप, ताज लैंड एंड्स, बैंड्रा आ गया यार, बोलो कितना कम टाइम के अंदर। और कितना प्यारा रोड बना है वो भी देखो आप, जर्नी कंप्लीट की। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सारा स्टार होटल है, ये तुझे ना गमेले जैसी गमेला गोल गोल है ना। माशाल्लाह देख सकते हैं हम लोग नदीम भाई के साथ खाना खाने आए हैं, सब मिक्स फ्रूट जूस लग रहा है मेरे को। एक बकरा है मुस्तकीम भाई मेरे पास, पूरा खुला भी बकरा है। नदीम भाई एक छोटा सा वीडियो ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, पहले फ्रूट जूस देख के दिल खुश हो गया। तो हम लोग नदीम भाई के साथ खाना खाने आए हैं। माशाल्लाह नदीम भाई के फार्म का वीडियो बनने वाला है अभी दोस्तों, और उसमें हम लोग पूरे पलाई के बारे में बात करेंगे। और नदीम भाई के पास में बहुत अच्छे बकरे 41-42 हाइट के आने वाले हैं अभी, कुछ है और कुछ रेडी भी किए हैं भाई ने, फार्म पे है भी, बेचने के लिए भी है कुछ और कुछ खरीदेंगे भी। सही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियो देखना नदीम भाई का, क्लासिक गोट फार्म बुलेट ट्रेन माशाल्लाह। और आगे क्या क्या खाने में आता है वो बताते हैं आपको। चलेगा ना? चलेगा। भूख लग रही है आपको? लग रही है। चलो स्टार्ट तो करो, जूस तो पी के बताओ कैसा लगा। आपने बहुत यार, इसके साथ है ना थोड़ी रोटी भी लगेगी। कितना ला? वो गार्लिक नान बोले ना वो लाओ, जरा दो लाओ अभी। अच्छा दो गार्लिक नान उसके बोल दो।